फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम कहते हैं झाल मुढ़ी। हम कभी भी मार्केट में या कहीं गार्डन में या कहीं बीच भी जाते हैं तो हमें बहुत ही चटपटा खाने का मन होता है, वो यही है झाल मुढ़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। झाल मुढ़ी बनाने के लिए हमने एक बड़ा बॉल लिया है, इसमें हम डालेंगे एक ओनियन। ये झाल मुढ़ी हम चार जने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक बड़ा ओनियन काट लिया है। यहाँ चार हरी मिर्च बारीक बारीक काट लिए हैं, आपको तीखा कम पसंद है तो एडजस्ट कर लीजिए। एक बड़ा टमाटर को हमने काट लिया है, एक ककुम्बर को हमने छोटा सा टुकड़ा लेके काट लिया है। अब देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट रखा है। अब इसमें हम डालेंगे एक उबला हुआ आलू, जिसे हमने छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। अभी से ही अपनी झाल मुढ़ी देखने में सुंदर लगने लगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, इतना प्याज टमाटर आलू मिर्च हमने मिक्स किया है। तो अब हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो चाट मसाला हमने डाल दिया है, उसमें सभी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, नहीं तो आप अमचूर पाउडर काला नमक डालिए। मसाला हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है झाल मुढ़ी के लिए। तो एक चम्मच हम यहाँ पे सरसों का तेल डाले हैं और उसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इससे बहुत बढ़िया झाल मुढ़ी में स्वाद आता है और चटपटा भी होता है। अब चलिए हम इसमें झाल मुढ़ी मिक्स करते हैं। यहाँ पे हमने एक बॉल मुढ़ी लिया है, कहीं कहीं पे इसे मोमड़ा कहते हैं, कहीं पे मुढ़ी कहते हैं। तो इसे हमने सेक लिया है, बिल्कुल गरम गरम होना चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम कुरकुरा है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में हम मोमड़ा को मिक्स करेंगे और अच्छे से फेंटेंगे। झाल मुढ़ी का मतलब है इसे अच्छे से मिक्स करना, ओके फास्ट फास्ट करते हैं, ऐसे हम फटाफट मिक्स करेंगे। हम चम्मच बदल ले रहे हैं, बड़ा चम्मच ले रहे हैं। तो ऐसे हम अच्छे से फटाफट झाल मुढ़ी मिक्स करेंगे, बहुत चटपटा बनता है ये। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता और फाइनल इंग्रेडिएंट्स नींबू का रस। तो इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू के रस से ही तो ये चटपटी होती है, ये डालना आप मत भूलिएगा। अब फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ये सेव। ये सेव वही है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, बारीक वाला सेव है। इसे डाल के हम झाल मुढ़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा ऐसे प्याज डाल देंगे और उसके बाद जो बचा हुआ सेव है उससे हम गार्निशिंग कर देंगे। कितना बढ़िया चटपटा अपना झाल मुढ़ी तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे आपको और चटपटा बनाना है तो और इसमें थोड़ा सा मिर्च डाल दीजिए, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आपने देख लिया बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत चटपटा लगता है। तो इसे आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।